गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनेंट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस एन एक्शन दैट इज ओवर इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट टेंस जो एक्शन यानी कि जो काम पूरा हो चुका है और उसका संबंध प्रेजेंट से बिल्कुल भी नहीं होता इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट टेंस तो वह सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा व्यक्त किया जाता है इट इज फॉर्म्ड विद वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल और इसकी जो फॉर्मेशन होती है इस टेंस में जो सेंटेंस आते हैं उनकी फॉर्मेशन वर्ब की सेकेंड फॉर्म से होती है या पास्ट पार्टिसिपल से फॉर एग्जाम्पल्स आई सा यू मैंने उसे देखा बट यू डिड नॉट सी मी मैंने आपको देखा परंतु आपने मुझे नहीं देखा ही पेंट टू दार्क वह पार्क गया लास्ट वीक आई विजिटेड टू दिल्ली पिछले सप्ताह मैंने दिल्ली की यात्रा की इसके नाउट डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ दिस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप नेगेटिव में हम यूज करते हैं नोट का सब्जेक्ट प्लस डिड नोट या फिर हम इसकी जो कंट्रास्टेड फॉर्म होती है उसका भी यूज कर सकते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज और डिड के साथ हमेशा हम, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी लास्ट में फुल स्टॉप इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस डिड सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब्स का आफ्टर दैट सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नेगेटिव इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फिर हम इसकी जो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस टेंस के फॉर एग्जांपल्स आई रोट अ लेटर सबसे पहले हमने किसका यूज़ किया सब्जेक्ट का आफ्टर दैट वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आई रोट अ लेटर मैंने एक पत्र लिखा अगर हम इसको चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो हम राइट करेंगे आई डिड नोट राइट अ लेटर डिड के साथ हमने किसका यूज किया है की फर्स्ट फॉर्म का आई डिड नोट राइट अ लेटर नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या थी सब्जेक्ट प्लस डिड दिड़ नोट या फिर डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमने भी ऐसे क्रिएट किया आई डिड नॉट राइट अ लेटर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डिड आई राइट अ लेटर क्या मैंने एक पत्र लिखा डिड आई नॉट राइट अ लेटर डिड के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया आफ्टर दैट नोट का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आई गिव हर अ बुक मैंने उसे एक बुक दी आई डिड नोट गिव हर अ बुक डिड आई गिव हर अ बुक क्या मैंने उसे एक पुस्तक दी डिड आई नोट गिव हर अ बुक क्या मैंने उसे एक पुस्तक नहीं दी वेल स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टेंड इट नाउ डिसकस अबाउट द एक्टिविटीज दैट कम्स अंडर दिस टेंस लेट्स डू द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है वन पास्ट शोविंग टाइम यस्टरडे ऐगो लास्ट एक्सेट्रा इज गिवन इन द सन्टेंस जब हमारे सेंटेंस में येस्टरडे ऐगो या फिर लास्ट इस टाइम इस टाइप के वर्ड दिए गए होते जो पास्ट को शो करते हैं यानि कि पास्ट को प्रेजेंट करते हैं इस गिवन द सेंटेंस जब ये इस टाइप के वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो वो किस टाइम को शो करते पास्ट टाइम को फॉर एग्जाम्पल आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला ही पास्ट द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर उसने पिछले साल ही परीक्षा पास की लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग बहुत समय पहले एक राजा था ये इन सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुए जैसे कि यस्टरडे लास्ट ईयर और लॉन्ग एगो ये सभी के कि कौन से टाइम को दर्शा रहे हैं पास्ट टाइम को सो दैट वी यूज हेयर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि रिसीव रिसीव्ड आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे ही पास्ट सेकेंड फॉर्म का यूज किया क्योंकि इस सेंटेंस में किसका है लास्ट ईयर यानी कि इस टाइप के जो वर्ड जो पास्ट को शो करते हैं तो उन सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे वर्ड की सेकेंड फॉर्म का लोंग एंगो देयर वॉज अ किंग बहुत समय पहले एक राजा था टू एक्सप्रेस अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट या फिर जो हमारी पास्ट की हैबिट होती हैं या फिर पास्ट कस्टम यानि कि रिवाज रीति रिवाज होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ गांधी जी हमेशा सच बोलते थे यानि कि पास्ट है बोलते थे यानि कि हैबिट थी उनकी सच बोलने की लेकिन उस टाइम उस काम को काफ़ी समय बीत चुका है तो गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ गांधी जी हमेशा सच बोलते थे द आर्यस बिलीव्ड इन वन गोड ये सभी हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं यानी कि पास्ट हैबिट है या फिर कस्टम है ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं द आर्यस बिलीव्ड इन वन गॉड जो आर्य लोग थे जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे वो एक भगवान में विश्वास रखते थे टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट या फिर जो हमारे पास्ट के जो कार्य होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए या फिर किसी घटना को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में हुई है उसको बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं एज जैसे कि आई सा मैनी डियर इन द जू मैंने चिड़ियाघर में कई हिरन देखे यानी कि पास्ट हो चुका हुआ देखे पहले देखे पास्ट टेंस में शी जॉइंट दिस स्कूल इन टू थाउजेंड उसने इस स्कूल को दो हज़ार में ज्वाइन किया एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन एडिसन जो कि एक इन्वेंटर थे उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया ये सभी क्या है हमारे पास्ट एक्शन है या फिर इवेंट हैं घटनाएं हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड या फिर उन एक्शंस को दर्शाने के लिए कि इस टाइम मैंने ये काम किया तो वह ये कर रहा था या फिर मैंने जब ये काम किया तो मैंने ऐसा किया ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए कि जब वर्क जब मैं यह वर्क कर रहा था तो वह यह कर रहा था इस टाइप के एक्शंस को दर्शाने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज करते हैं जैसे कि वाइल ही टुक टी ही रीड अ न्यूज़पेपर जब उसने चाय ली उसने न्यूज़पेपर पढ़ा पास्ट टेंस को दर्शाए कि जब उसने चाय ली उसने न्यूज़पेपर पढ़ा कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वन आई वेंट टू हर हाउस जब मैं उसके घर गया वह टीवी देख रही थी टेलीविज़न देख रही थी वायल गीता सेंग सीता डांस जब गीता ने गाया सीता ने सीता नाची जब गीता ने गाना शुरू किया तब क्या हुआ सीता ने नाची वाइल्ड द फॉलोइंग फ्रेज इंडिकेटिंग अनलाइकली सिचुएशंस या फिर कुछ नीचे जो फ्रेज की, दी गई है, अनलाइकली सिचुएसन मीन्स जो स्थितियाँ हमें पसंद नहीं होती ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही बिहेव एज though ही वर द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल उसने ऐसे बिहेव किया ऐसे व्यवहार किया एज दाओ जैसे कि वह स्कूल का हेड मास्टर हो अनलाइकली सिचुएशन है ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हिज असिस्टेंट उसने मुझे ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ इट इज़ टाइम वी वर सॉरी इट इट इज़ टाइम यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होता है तो उसमें हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं जब भी आपको किसी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है जो इट इज़ टाइम या इट्स टाइम या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होता है तो उसमें हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं इट इज़ टाइम वी थॉट सीरियसली अबाउट दिस इश्यू अब समय आ गया कि हमें इस इश्यू के बारे में या इस मुद्दे के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए या सीरियस होकर सोचना चाहिए आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू मैं आशा करता हूं कि मेरा तुम्हारे जैसा मित्र हो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है हैड यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म का हैव हैड हैड थोट वर वर वोज की सेकंड फॉर्म सॉरी बी वोज बीन यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर बी वर्ब भी हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेल स्टूडेंट्स लर्न ऑल द रूल्स ऑफ पास्ट इनडेफिनेट टेंस एंड डू असाइनमेंट फिफ्टी एट इन योर बुक पेज नंबर टू फिफ्टी वन री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल पास्ट हमने इन सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में राइट करना रमन एंड आई विल प्ले टेनिस टूगैदर रमन और मैं दोनों इकट्ठे टेनिस खेलेंगे तो हम राइट करेंगे यहाँ पर यानि कि सिंपल पास्ट कौन किस टाइप का सेंटेंस है ये अफिर मींस पॉजिटिव सेंटेंस है और सिंपल पास टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो हम राइट करेंगे रमन एंड आई प्लेड टेनिस टुगेदर नंबर टू शी हैज़ नोट फॉर फोरगी मी उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो हम राइट करेंगे नोट नेगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस ऑब्जेक्ट तो हम राइट कर सकते हैं शी डिड नोट फॉरगिव गिव मी डिड के साथ हम किसका यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का शी डिड नोट फॉरगिव गिव मी उसने मुझे माफ नहीं किया आर दे गोइंग टू चर्च इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का और इसमें पास्ट टेंस में हम किसका यूज कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं डिड का तो सबसे पहले हम डिड राइट करेंगे डिड दे गो टू चर्च डिड के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे डिड दे गो टू चर्च क्या वो चर्च गए लास्ट में क्वेश्चन मार्क रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द नेगेटिव व्हेन यू यूज डिड राइट द फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच है उसकी फर्स्ट फॉर्म को हमने यूज करना है यानी कि बेस फॉर्म को डेढ़ के साथ हमने अभी अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि डेढ़ के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं द क्वेश्चन नंबर वन आई वेंट टू ए मूवी लास्ट नाइट लास्ट नाइट आया हुआ है तो ये कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का आई वेंट टू ए मूवी लास्ट नाइट मैं पिछली रात मूवी देखने के लिए गया तो हम राइट करेंगे इसको नेगेटिव में आई डिड नोट आई डिड नोट गो वेंट गॉन बेस फॉर्म क्या है इसकी गो आई डिड नोट गो आ मूवी लास्ट नाइट मैं मूवी के लिए नहीं गया वी इन्वेंटेड दैम सॉरी इन्वाइटेड दैम टू आवर पार्टी हमने उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट किया नेगेटिव सेंटेंस हमने क्रिएट करना है वी डिड नॉट वी डिड नॉट इनवाइट देम टू आवर पार्टी आई टुक ऑफ माई कोट आई डिड नॉट टुक बेस फॉर्म क्या होगी इसकी टेक आई डिड नॉट टेक ऑफ माय कॉट और लास्ट में फुल स्टॉप वेल स्टूडेंट डू पार्ट सी डी ई एंड एफ योर सेल्फ दिस इज योर टू डेज वर्क थैंक यू